350 करोड़ रुपए काशी कॉरिडोर पे जब बना तो यहां का प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, और जब ताजमहल बना था 7000 करोड़ रुपए का तो मजदूरों को लाइन से खड़ा करके उसके हाथ को कटवा दिया था। यह फर्क है। इस फर्क को आप क्या बोलेंगे कि गोल्डन एज था जब ताजमहल बना था? एक बड़ा हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की इकोनॉमी की मैं बात करूं, देश में एक मिथ है कि मुगल के टाइम पे हमारी इकोनॉमी 25% ग्लोबल जीडीपी थी। हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए थे? क्या लालच था? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए थे? किस लिए आए थे? और भारत के गुलाम होने में सबसे बड़ा रोल ताजमहल के ऊपर खजाना लुटाने का है भैया। ये मुगलों को तो हमने, इस देश ने 55 ट्रिलियन की दौलत दे दी, तब भी तुम भिखारी बने पड़े हो। भारत आर्थिक रूप से पूरा केवल अपनी एक बीबी को 14 बच्चे पैदा करने के चक्कर में जो है पूरा खजाना उसने लुटा दिया। इतना समृद्ध था कि एक जगत सेठ था वहां पे। इतिहास में बोला जाता है कि उसके जैसा बैंकर उस वक्त फ्रांस और लंदन में नहीं था, पूरे यूरोप में नहीं था। अकेले उस जगत सेठ के पास इतना पैसा था। मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। तो इनके नाम का महिमा मंडन देश की राजधानी की सड़कों पर अभी तक क्यों हो रहा है? क्यों इनके नामों को भारत में सहेज कर रखा जा रहा है? हमारे साथ एके मिश्रा जी है, इतिहासकार भी है, वरिष्ठ पत्रकार है। असल बात यह है कि मोदी सरकार ने जो अपना मिशन बना रखा है कि इसको कहना चाहिए बेरोजगारी है या महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक नए नए तरीके ईजाद करते हैं और उसको शोषण बनाकर पेश करते हैं ताकि देश के लोगों की जो जहन है वो इधर लग जाए। और एक मिश्रा जी है, इतिहास के जानकार भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जिक्र किया, क्या अब हम ये माने कि जो पिछले की सरकारें रही, हाल फिलहाल में हम देखे कई ऐसे बयान आए, एक गीतकार है अगर वो इन मुगलों को लुटेरा और डकैत कह देता है तो एक जो लॉबी है इस देश में किस तरह से उस पर टूट पड़ती है और उसके साथ क्या होता है सबने देखा, उसने सोशल मीडिया पर अपना आके दर्द भी बयां किया। तो अब जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अब नया भारत आया है और जो हमारी जहन में जो बातें डाली गई थी उससे निकलने का वक्त है और आगे बढ़ने का, और भारत इससे आगे निकल रहा है, तो क्या अब लगता है आपको कि ये जो सड़कें हैं दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी पर जो चिढ़ा रही है भारतीयों को, इसके भी हटने का वक्त आ गया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है ये क्या कम उपलब्धि है देश की जनता के लिए कि अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष कम से कम जिक्र करने की पब्लिक में, ओपन पब्लिक में जिक्र करने का उसने साहस तो दिखाया। इसके पहले तो साहस ही नहीं होता था कि कोई जिक्र कर दे, कोई सोच ले। रही बात आप वो जो कौन से गायक है उसका बता रहे थे कि उसने सोशल मीडिया पे आके किया, मैं आपको बताऊं बंगाल में आप जब यहाँ पे अंग्रेज घुसे थे बंगाल में तो जो मीर जाफर था वो भी दोगला था, वो यहाँ का नहीं था, वो अरब से आया हुआ था। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसी नाजायज गद्दारों की औलादें पड़ी हुई हैं जिनको कि इन सब चीजों से बहुत दुख होता है। वो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो विधवा हो गए। अगर आप बोलिए कि हिंदू संस्कृति की बात करिए, यहाँ के मतलब इस धरती से जो चीजें उत्पन्न हुई है अगर उनकी बात करिए, उनकी तरफ लौटिए तो उनको गर्व महसूस नहीं होता है, उनको उसमें शर्म महसूस होती है। और रही बात ये जो मौलवी साहब बैठे हुए हैं, ये रोजगार वगैरह की बात कर रहे थे, इस लॉबी के लोग जो लोग बोलते हैं कि भाई सड़कें नहीं बदलनी चाहिए, मुगलों को आप लुटेरा मत बोलो, मैं उनको बता दूं पूरे दुनिया की जो जीडीपी है, पूरी इकोनॉमी है वो 90-95 ट्रिलियन है, उसमें से 55 ट्रिलियन भारत की है जो कि लूट के गई है भैया। ये मुगलों को तो हमने, इस देश ने 55 ट्रिलियन की दौलत दे दी, तब भी तुम भिखारी बने पड़े हो। तो क्या गारंटी है कि हम तुमको नौकरी दे देंगे, रुपया पैसा फ्री में दे दे, कैसे भी दे दे, तुम तब भी नहीं संभाल पाओगे, तुम्हारे अंदर संभालने की औकात नहीं है, कुवत नहीं है, तुम
तो पहले भी ऐसे लोग, इस मानसिकता के लोग जहालत में रहते थे। आप अफगानिस्तान देख लो, जितने इस मानसिकता के जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी लोग हैं, ये तब भी जहालत में थे, आज भी जहालत में हैं। इनके हाथ में सुख समृद्धि, रुपया, पैसा, इज्जत, मान सम्मान देना बंदर के हाथ में उस्तरा देने के बराबर है। इतिहास से मैं कई घटनाएं बताऊंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मीर जाफर यानी वहां पे अली वर्दी खां, जब वो वहां बंगाल के नवाब थे, तो बंगाल एक सबसे समृद्ध था। उसके बाद आप देखिए उसकी पीढ़ियों में जो हुआ, इतना समृद्ध था कि एक जगत सेठ था वहां पे। इतिहास में बोला जाता है कि उसके जैसा बैंकर उस वक्त फ्रांस और लंदन में नहीं था, पूरे यूरोप में नहीं था, अकेले उस जगत सेठ के पास इतना पैसा था। वहां के शासकों ने उसके पैसों को भी उड़ा दिया, अपनी जो है जमींदारी, जो राजशाही थी, जो बादशाह थी, सब उड़ा उड़ा करके खत्म कर दिया। तो इनके हाथों में हुनर नहीं है किसी चीज को संभालने के लिए, इनके हाथों में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, न सुख न समृद्धि। ये जो लोग है, यही लोग ये कहते हैं कि मुगल काल जो था इस देश में, वो तो स्वर्णिम काल था। इतिहास में पढ़ाया भी जाता है, वो कहते हैं कि कुतुब मीनार तो हमने बनाया है, ताजमहल तो हमने बनाया, आपने क्या बनाया, ये सवाल उठाया जाता है। काल भारत का गोल्डन एज कब बोला जाता है, जिसको इतिहास का ज्ञान ना हो, जिसको मैनिपुलेट करना हो, जो नाजायज औलादे हैं, फर्स्ट सेंचुरी से फोर्थ सेंचुरी के बीच को स्वर्ण काल बोला जाता है। साउथ में उस वक्त चोल चालुक्य वगैरह थे, इधर सब विक्रमादित्य वगैरह ये सब थे। और स्वर्ण काल गोल्डन एज का मतलब, जो मुगल लोग हैं इस मानसिकता के लोग ना, उनके लिए गोल्डन एज का मतलब क्या है, हरम ये है, नाच गाने होते थे, ढोलक तबला ये सब बजता रहता था, दारू चलती रहती थी। भारतीय सभ्यता के हिसाब से स्वर्णिम काल ये है कि झोपड़ी में रहने वाला आदमी जो था, वो भी महाराजा, राजा महाराजा का सुख अनुभव करता था, सबके साथ न्याय होता था, सबके साथ समान भावना होती थी। ओवरऑल जो स्टेटस ऑफ लाइफ है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, जितना अधिकार राजा को था उतना ही अधिकार प्रजा को था, प्रजा सुखी थी, उसको स्वर्णिम काल बोला जाता है। न कि केवल इसलिए कि सोने के सिक्के जो है और तबले की थाप दोनों एक साथ जो है खनक रहे हैं और वहां पे नर्तकियां नाच कर रही हैं, इस चीज के लिए नहीं था। उस वक्त की भावना थी, उस वक्त दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरीके की समृद्धि थी, यहाँ पे सब सुरक्षित थे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे गोल्डन एज का ये है, ना कि ये है कि हमने 7,000 करोड़ का, इन्होंने आप ये बताइए मुझे, ये ताजमहल बनवाया और भारत के गुलाम होने में सबसे बड़ा रोल ताजमहल के ऊपर खजाना लुटाने का है, और भारत के गुलाम होने में सबसे बड़ा रोल ताजमहल के ऊपर खजाना लुटाने का है। अगर ताजमहल के ऊपर खजाना औरंगजेब, इसने शाहजहां ने नहीं लुटाया होता, तो उसके बाद उसकी पीढ़ियों के पास पैसे ही नहीं थे, सैनिकों को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। भारत आर्थिक रूप से पूरा केवल अपनी एक बीबी को 14 बच्चे पैदा करने के चक्कर में जो है पूरा खजाना उसने लुटा दिया। औरंगजेब ने इसी चीज से परेशान होकर के अपने बाप को कैद खाने में डाला था कि तूने सारे पैसे इधर उधर करके लुटा दिए, औरंगजेब को कुछ मिला ही नहीं। आप इतिहास देखिए, औरंगजेब जब मार काट करके राजा बना, उसको फूटी कौड़ी नहीं मिली, इसी से गुस्सा होकर उसने जो है शाहजहां को कैद में डाल दिया था और एक मटकी केवल पानी देता था। तो मेरे कहने का मतलब है, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस मानसिकता के लोगों को अगर दिया जाएगा तो बंदर के हाथ में उस्तरा दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे 335 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ताजमहल पे 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कौन सा ताजमहल ने बहुत ज्यादा इतनी नौकरियां दे दी, लोगों को पैदा कर दिया या भारत को गरीबी से मुक्त कर दिया? क्या जरूरत थी ताजमहल बनवाने की? काशी विश्वनाथ पे 350 करोड़ रुपए खर्च हुए, इनको दर्द होना शुरू हो गया जी, ये नहीं होना चाहिए, नौकरियों की बातें होने लगी। अरे 800 साल मुगलों का था और 70 साल अभी तक विभिन्न पार्टियों का था, तो क्यों नहीं, मतलब 850 साल में क्यों नहीं नौकरियां पैदा कर ली, क्यों नहीं गरीबी दूर कर दी, क्यों नहीं मारकाट दूर कर दी? 850 साल में तुम नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाओगे? तो चुपचाप घर में बैठो, जिसके योग्य हो उसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए डिजर्व करते हो उसी चीज की अपेक्षा करो। जमीन पे रह के खैरात पे जीने वाले, सरकारी वजीफा पे जीने वाले जो मुगल वंशज हैं, ख्वाब देखते हैं बादशाहत का, संभाल तो पाए नहीं एक भी चीज। यहाँ के जनता को भी मरवा डाला, मार डाला, मरवा डाला, लूट घसोट, सारा इतिहास केवल लूट घसोट और पर्सनल इंजॉयमेंट से भरा पड़ा है। पब्लिक के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा, इस देश के लिए कभी नहीं सोचा। हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जो ये लोग बोलते हैं हमने ये बनवाया, हम, अरे तुम नहीं बनवाओगे तो कौन बनवाएगा? तुम तो पकड़ के मजदूरों को ले आते थे, झोपड़ी से तुम अनाज उठा लाते थे और बोलते थे कि बिना जो है तनख्वाह के तुम काम करो, नहीं तो तुम्हारा हाथ कटवा लेंगे, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जब इस तरीके की जिल्लत होगी तो तुम तो बड़े बड़ी चीजें बना दोगे।
300 करोड़ रुपए काशी कॉरिडोर पे जब बना तो यहाँ का प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, और जब ताजमहल बना था 7000 करोड़ रुपए का तो मजदूरों को लाइन से खड़ा करके उसके हाथ को कटवा दिया था। ये फर्क है। इस फर्क को आप क्या बोलेंगे कि गोल्डन एज था जब ताजमहल बना था? ताजमहल इसीलिए बना था कि मजदूरों के हाथ कटवा दें आप? जी जी बिल्कुल। यहाँ काशी कॉरिडोर बना तो मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री और सैकड़ों लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और वहाँ हाथ काटे जाते थे। एके मिश्रा जी सही कहा आपने, और उन मजदूरों में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिर्फ हिंदू या हिंदू समुदाय के लोग नहीं थे उसमें, कई अब्दुल्ला सैफुल्ला जिनके मैं नाम लिस्ट पढ़ रहा था जो 250 मजदूर थे उनमें वो भी शामिल थे, उनमें भी उन पर भी फूलों की बरसात की गई। तो एक जो सबका साथ सबका विकास वाली बात जो करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो वहां दिखा और उनकी बाइट्स भी आई सोशल मीडिया में, और उन्होंने कहा कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मेहनताना था हमारे लिए कि प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर फूलों की बरसात की, हमारे साथ बैठकर भोजन खाया। तो इस बात का आपने जिक्र किया, मैं आऊंगा कारी फरा। एक बड़ा हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की इकोनॉमी की मैं बात करूं, देश में एक मिथ है कि मुगल के टाइम पे हमारी इकोनॉमी 25% ग्लोबल जीडीपी थी। मैं एक बड़ा हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की इकोनॉमी की मैं बात करूं, देश में एक मिथ है कि मुगल के टाइम पे हमारी इकोनॉमी 25% ग्लोबल जीडीपी थी। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, इतना गलत। मैं आपको बताता हूं मुगल के अंदर कौन सा बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप था, जरा मुझे बताइए कौन सी बहुत बड़ी इनके अंदर कला थी। अगर ये जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप होता, वेल्थ क्रिएशन की टेक्निक होती, या ये वास्तु या शिल्पकार होते, तो आज की डेट में अफगानिस्तान ये नहीं होता। अफगानिस्तान, सीरिया, आप कहीं पे भी पकड़ लो जितने हैं, इनके जेनेटिक्स में नहीं है ये सब पॉजिटिव चीजें, ये कर ही नहीं सकते। ये 1400 सालों में पूरे मुस्लिम कंट्री में ये कुछ नहीं कर पाए हैं और आगे भी ये 14 साल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल जो चीजें बनी हुई हैं उसको तोड़ना फोड़ना। लेकिन मिश्रा साहब वो कैसे कि सऊदी अरेबिया देख लीजिए, इतना संपन्न देश हमने बना लिया। सऊदी अरेबिया एक भी वहां का बिजनेसमैन नहीं है, काफिल होता है सारे। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्किल सेट की, वो इनके अंदर है ही नहीं। एक भी एंटरप्रेन्योर आप देखिए सऊदी अरेबिया का नहीं है। नेचुरल तेल मिला है, सारे कंपनी बाहर के हैं। जो कारीगर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंजीनियर वगैरह डॉक्टर, भारत के हैं, दूसरे देशों के हैं। आप मुझे ये बताइए, जरा मुझे बताइए, मुगलों ने कौन सा ऐसा बड़ा सुधार का काम किया जिसके कारण इकोनॉमी में बूम आ गया? मुझे बताइए, मुगल करते क्या थे? सारे इकोनॉमिस्ट एंटरप्रेन्योर तो यहाँ पे जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ के लोग थे वो लोग थे, कला में माहिर थे, हर चीज में माहिर थे। मुगल तो केवल तलवार के दम पे जजिया लगाते थे और इंपॉर्टेंट जगहों पे, बंदरगाहों पे कब्जा करके वहां से टैक्स वसूला करते थे। एक मुझे मुगल इतिहास में बता दीजिए, भूमि सुधार सबसे बढ़िया अकबर के टाइम पे हुआ, राजा टोडरमल, वो भी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ ज्ञान था। आप मुझे बताइए ना, नॉलेज ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप या कोई शिल्पकार, इन्होंने खेती करना तो ये 1400 साल में सीख नहीं पाए हैं अरब में और गल्फ में। आप मुझे बताइए कितने बीघे में खेती ये लोग करते हैं? दुनिया में खेती सबसे पुरानी विधा है ये, आज तक खेती करना, अन्न पैदा करना ये लोग सीख नहीं पाए हैं। तो इनके अंदर कौन सा स्किल सेट है, जरा मुझे बताएं कि इनके अंदर भारत भारतीय के इतिहास में ये बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा शिल्पकार था, ये था वो था, कुछ नहीं। इन्होंने यही की दौलत को जजिया टैक्स से लूटा, लूटने के बाद यहां से लेके भी गए, वहां पे भी ये कुछ नहीं बनवा पाए क्योंकि हुनर तो था नहीं, पैसा अकेले तो काम नहीं करेगा। ये अकबर ग्रेट कैसे हो गए? इतिहास में तो हमने यही पढ़ा स्कूलों में कि अकबर तो महान था। हाँ, तो वो किताबों में काला अक्षर भैंस बराबर इसीलिए बोला जाता है ना, क्योंकि वहां पे अकबर को मैंने बताया कुछ नाजायज औलादे पड़ी हुई हैं, तो वो अपने बाप दादाओं का गुणगान तो करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हम जो बचे रह गए भारत में कुछ एक परसेंटेज को छोड़ के, उसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ जो इतिहास को सहेजने की जो परंपरा रही है, श्रुति से, स्मृति से, लोक कथाओं में, लोक गायन में, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुना करके, अगर ये नहीं रही होती ना, तो इन्होंने तो भरसक कोशिश की है कि भारत के इतिहास को, भारत के गर्व को ही यहां से हटा दिया जाए, आर्यावर्त के गर्व को एकदम खंडित कर दिया जाए, नेस्तनाबूत कर दिया जाए। सारी कोशिशें इन्होंने कर ली, लेकिन हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी कि गांव-गांव में रानी लक्ष्मीबाई की कहावत, कहानियां, किस्से, और इस हर गांव की बात है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक आप कहीं पे भी जाइए, शिवाजी महाराज की बात है, महाराणा प्रताप, वैदिक कालीन से लेकर अभी तक श्रुति और स्मृति, जो ये दो पद्धतियां डेवलप हुई थी। अदरवाइज इन्होंने तो बड़े बड़े शिला लेख को भी मिटाने की कोशिश की। और अंत में मैं बताता हूं, सबसे इसमें जाहिलाना वाला काम
काम किया था औरंगजेब ने। लास्ट में हमारी परंपरा इतनी मजबूत जड़े थी कि औरंगजेब ने थक हार के अपनी तलवार रख दी और बोला कि भारत को मैं काफिरों से हिंदुओं से मुक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक तरफ जाता था दूसरे तरफ वो और परेशान हो जाता था, कहीं शिवाजी थे कहीं महाराणा प्रताप थे, कहीं हमारी जड़े बड़ी मजबूत थी, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके हाथ में कोई भी चीज आप इनको नॉलेज दे दीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में पढ़े और जहां से पढ़े मतलब पायलट वगैरह बने, वही जहाज को ले जाके अमेरिका को ही बिल्डिंग से उड़ा दिया। आप इनके हाथ में कोई हथियार दे दीजिए, ये रक्षा नहीं करेंगे, ये दूसरों को मारने चल देंगे, चाहे वो तीर कमान हो, चाहे तलवार हो, चाहे AK-47 हो। पूरी दुनिया का 1400 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। नहीं नहीं, लेकिन मिश्रा साहब ऐसे नहीं कह सकते हम, अब्दुल कलाम साहब भी है। अपवाद हर जगह होता है, जो है उनको इज्जत मिली। दारा शिकोह का नाम बड़ी इज्जत के साथ हिंदू और मुसलमान भी लेते हैं। रस खान वगैरह ये सब जो थे, जो वाकई में डिजर्विंग थे, जिनके अंदर टैलेंट था, तो हिंदू समाज या यहाँ के और भी सारे समाज उनका नाम बड़े इज्जत से लेते हैं, लेकिन दारा शिकोह का नाम कट्टरपंथी लोग कभी नहीं लेंगे। वो काफिर था, उनके लिए वो काफिर था, जो ज्ञान की बातें करे, जो बहुत सारी चीजों को ट्रांसलेट करा रहा था, जो मानवता की बातें करे, वो उनका नाम ये नहीं लेंगे। जी जी जी, ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसके बारे में? ख्वाजा गरीब नवाज, वाहिदुद्दीन चिश्ती, अजमेरी। नहीं नहीं, जान... बारे में क्या सोचते हैं आप? जानते तो हैं ही। देखिए मैं बताऊं, एक टोली जब लुटेरों की आई थी, सुन लीजिए, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे सॉफ्ट तरीके से चीजों को करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए क्या है। अब उसको बोलने और कहलाने की जरूरत क्या है? आपके बोलने से कोई समझने वाला नहीं है। उनका भी इतिहास भरा पड़ा है साहब, उसको छुपाने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं फरासत साहब, आप बोलिए। नहीं मालूम आपको कि ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में आने के बाद जो भाईचारा पैदा किया वो एक मिसाल है। आज भी भाइयों का सर कलम कर रहा था तलवार से और दूसरा आदमी नया चारा बना के उनको परोस रहा था। नहीं मिश्रा जी, फरासत साहब ये बताइए कि भाईचारा खराब किसने किया था भारत का, जो ठीक करने के लिए किसी को आना पड़ा? देखिए ऐसा है, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये जो एक तरफा बात कर रहे हैं, ये काफिराना हरकत है। ये कि मुसलमान बोल दीजिए बाहर से आए और बहुत सारे मुल्कों से आए और आने के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग। अच्छा, बाहर से आए क्यों थे जरा बताइए? तपस्या करने आए थे, शिक्षा पढ़ने लिखने के लिए आए थे सारे लोग? अच्छा, बाहर से आए क्यों थे जरा बताइए? तपस्या करने आए थे, शिक्षा पढ़ने लिखने के लिए? नीचे जात के लोग थे, जो उस ऊपर जात के लोग थे, उनको अपने साथ बिठाया, उनको अपने साथ खाना खिलाया और वो उनसे मोहब्बत करने लगे, वो उनके साथ हो गए। फिर ये भी बात रखिए ना, अब एक तरफ से हकारते जा रहे हैं आप, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं फरासत साहब, माफ करो ऐसी मोहब्बत के लिए, रहने दीजिए मोहब्बत के जाल में मत। फरासत साहब इसीलिए आपको बुलाया है कि बात तारीख नहीं आती। नहीं नहीं, बात नहीं आती आपसे, आप जो है कुछ नहीं जानते इस मामले में। जबरदस्ती मोहब्बत की बातें आप किए पड़े हैं। नहीं नहीं फरासत साहब, देखिए हमने आपको बुलाया इसीलिए कि बात एक तरफा ना हो, आप अपनी बात रखें। नहीं फरासत साहब, आपको बुलाया इसलिए कि आप अपनी भी बात रखें, बात एक तरफा ना हो। और एक बात जी 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 बोलिए, जो बात आई और जो गलत बात थी, तो इसलिए मैंने टोक करिए बताया कि आप उनके बारे में भी बताइए, ख्वाजा साहब के बारे में। नहीं नहीं, आप इनसे जरा पूछिए, ख्वाजा साहब और संयोगिता का जो इतिहास रहा है क्या रहा है, जरा पूछिए इनसे। नहीं नहीं, आप इनसे जरा पूछिए, ख्वाजा साहब और संयोगिता का जो इतिहास रहा है क्या रहा है, जरा पूछिए इनसे क्या हुआ था या क्या किया था ख्वाजा साहब ने संयोगिता के साथ, जरा बताइए। हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए। आप मेरे को बताओ क्यों आए थे मुगल यहाँ पे, क्यों आए थे मुझे ये बताइए। अरे आप मेरे को बताओ क्यों आए थे मुगल यहाँ पे, क्यों आए थे मुझे ये बताइए। हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए थे, क्या लालच था? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए थे, क्या लालच था? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? अरे वो आए थे, दुनिया जमाने के लोग आते थे। मैं तो ख्वाजा साहब के बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में। ख्वाजा साहब उनके साथ आए थे,
उन ख्वाजा साहब उन्हीं के साथ आए थे, अकेले नहीं आए थे। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जरा खुल के बताइए, ख्वाजा साहब ने संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान की जो धर्म पत्नी थी क्या किया था मुझे बताइए। जो कवाली का सिस्टम शुरू किया है वह ख्वाजा साहब ने शुरू किया है। संगीत कला की कमी थी जो कवाली की जरूरत यहाँ पड़ गई, उनको बुलाया, इतने बड़े साइंटिस्ट थे क्या या गायन वादन में इतने निपुण थे कि आइए भाई कवाली जैसी चीज आप हमारे देश में फैलाइए, किसी ने बुलाया था? आप कवाली को जानते नहीं? अरे हम खूब जानते हैं सर, हम खूब सुने हैं और जानते हैं। नहीं, चले फरासत साहब, फरासत साहब।